Shubhriya, thank you everyone. Assalamu alaikum for joining us today. This is Ejaz Ahmed Siddiqui. I'm part of the ROI's team. Aur aaj hum aapke saath fir se maujood hai with a very special guest from our own city of Aurangabad. We have Imtiaz Jaleel sir with us today. Thank you so much sir for joining us today. Thank you very much. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So this will be a conversation hoga between Khan Abdul Basit and Imtiaz Jaleel sir. And before we go into the conversation, of course, Imtiaz Jaleel sir does not need an introduction, but just to let people who are new to the this group, Imtiaz Jaleel has been a former journalist, had a very successful career as a journalist with NDTV, started back in Aurangabad with Lokmat and all that. From then, he went on to become an MLA. और उसके बाद अब ये औरंगाबाद के एमपी हैं माशाल्लाह ही इज बीन वेरी सक्सेसफुल इन हिज पॉलिटिकल एज वेल एज हिज प्रोफेशनल करियर इसके अलावा ही समवन हु इज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस एंटायर कोविड 19 फाइट इन औरंगाबाद सो ही इज द लीडर हु इज बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट व्हिच इज क्वाइट रिमार्केबल एंड वी वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर ऑल दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर सम ऑफ आर व्यूअर्स मैं सिर्फ आपको आरवाइज के बारे में बताना चाहता हूँ कि आरवाइज क्या है आपके जहन में ऑफकोर्स क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये क्या है आरवाइज सो आरवाइज एक प्लेटफॉर्म है हम सभी लोगों का ताल्लुक मोस्टली औरंगाबाद से है बट हम भले ही औरंगाबाद में नहीं रहते हैं बट हम लोग औरंगाबाद से काफी हद तक जुड़े हुए हैं आज आपको और पता चलेगा कौन कौन हमारे साथ है इट्स अ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे सो ऑफ कोर्स बिसाइड्स इम्तियाज जलील ही इज समवन हु डज नॉट नीड अ प्लेटफॉर्म बट वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सेशंस एंड कन्वर्सेशंस एंड वेबिनार्स विद लोकल टैलेंट फ्रॉम औरंगाबाद जैसे कि हमने मेडिकल अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ वेबिनार्स किए फिर उसके बाद हमने कोविड 19 के अवेयरनेस के ऊपर वेबिनार्स किए फिर हमने करियर काउंसलिंग को लेकर वेबिनार्स किए कि लॉकडाउन में आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं एंड स्टफ्स लाइक दैट राइट सो इट्स अ प्लेटफॉर्म टू गिव local audience from Aurangabad, especially Muslim audience from Aurangabad within our community to give them a platform and reach out to lot many people. That's the idea of our voice. Agar aap isme participate karna chahte hain, humse judna chahte hain, to feel free to reach out to us. The format for today's session is going to be, it will be a conversation between Khan Abdul Basit and Imtiaz Jaleel. You can write your questions to us. Agar aap Zoom pe hume join kiya hai, to aap Q&A section ya chat section mein hume क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं अगर आप तो आप हमें फेसबुक पे कमेंट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं सो दैट आई लीव इट टू यू खान ओके थैंक यू इजाज फॉर द इंट्रोडक्शन एंड थैंक्स इम्तियाज जलील फॉर जॉइनिंग अस ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस आई नो कल ही हमारी रात में बात हुई थी अराउंड 2 बजे इंडिया के रात में एंड देन यू डायरेक्टली सेड कि ओके आई विल जॉइन सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम तो जस्ट टू स्टार्ट विद मेरा एक ये रहा है कि बीइंग जैसे इजाज ने बताया कि आप एक जर्नलिस्ट थे फिर एमएलए रहे एमपी रहे सो व्हाट वाज इन योर माइंड व्हेन वी रीच्ड आउट टू यू एंड आस्किंग फॉर कि हमसे यू नो कैन वी हैव अ कॉन्फ्रेंस विद यू बिकॉज हमारा कोई ऐसे मतलब आवर वॉइस इज आल्सो नॉट एनी एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म नाइदर ऑफ अस आर बीइंग पार्ट ऑफ एनी यू नो एफिलिएटेड विद एनीथिंग रिलेटेड टू योर पॉलिटिकल यू नो ऑर्गेनाइजेशन या कभी हमने आपके लिए कैंपेन भी नहीं किया उसमें कोई मतलब इज वेरी अपफ्रंट तो व्हाट वाज इन योर माइंड लाइक व्हाट वाज मुझे पता है फंस रहे लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिल में था दिमाग में था कि यार आपने हाँ कैसे बोल दी पता नहीं एक चीज होती है कि यार कौन है ये लोग ठीक है सो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू व्हाट वाज इन योर माइंड एंड आई नो देयर मस्ट बी 100 अदर रिक्वेस्ट दैट माइट बी कमिंग फ्रॉम यू फॉर आइदर व्हेरेवर यू गो फॉर द फोटोज या फिर फॉर दावत में जाना है या फिर यू नो किसी और के बाइक के पीछे बैठने कई सारी फोटोज मैंने भी देखी हैं उसमें एंड देन व्हेन आई वाज इन औरंगाबाद आई हैव सीन हाउ द थिंग्स वेंट ड्यूरिंग नो व्हेन आई वाज देयर 18 में तो एज एन दूर से देखे तो हमें लगता है ये पीपल्स पर्सन है एक पर्सोना जो क्रिएट हुआ है आपका वो है और एक अवेलेबिलिटी जो है रीच आउट करने के लिए तो व्हाट वाज इन योर माइंड एंड देन व्हाई डिड यू से यस सो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मतलब गुड टू सी औरंगाबाद इज ऑल अक्रॉस द ग्लोब मैं बड़ी खुशी हो रही है कि आप दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर है एंड
एजाज भाई थैंक यू, आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया। बासित साहब आपने जो सवाल किया है, मुझे मालूम है कि आप लोग फिजिकली औरंगाबाद से बाहर है, लेकिन आप लोगों का दिल कहीं ना कहीं इस शहर से लगा हुआ है, इस मुल्क से लगा हुआ है। एंड आई नो दिस फॉर श्योर, मतलब मुझे मालूम है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में रहेंगे या औरंगाबाद में रहेंगे तो ही आप औरंगाबाद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसकी दिलचस्पी रखेंगे। मतलब वहां पे सैकड़ों मील दूर बैठ के मैं समझता हूं जितना इंडिया में या औरंगाबाद के लोगों के अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं रहती है, उतना बाहर अपने मुल्क, अपनी मिट्टी की याद आती है, अपने घर की याद आती है। तो मुझे मालूम है कि आप लोग बाहर रहने के बावजूद भी आप लोग पूरी तरह से नजर रखे हुए है, और वो सिर्फ अपने शहर के ऊपर नजर नहीं रखे हुए है, लेकिन जैसा बासित भाई आपने बड़ा कैंडिडली ये माना है कि आपने ना तो मेरे लिए कैंपेन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो इसलिए कि आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि चलिए यार ये मेरा नुमाइंदा है, ही इज माय रिप्रेजेंटेटिव, ही हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ औरंगाबाद एंड ही इज डूइंग व्हाटएवर द बेस्ट ही कुड डू। तो जैसे ही आपका ये आया है, मतलब ये सही बात है बासित, कि ऑलमोस्ट एवरी डे I get requests from television channels, from news portals, कि सर लाइव के ऊपर बैठ जाइए थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो भी, बट आई एम वेरी चूजी अबाउट इट, यू नो, मतलब मैं हर चैनल के ऊपर जाता नहीं हूँ, बिकॉज एवरीबडी नोज, लाइक स्पेशली यू पीपल सिटिंग आउटसाइड इंडिया, यू नो हाउ द मीडिया इज वर्किंग इन इंडिया टूडे, इट्स ऑल, मतलब कोई भी जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, बिकॉज आई हैव बीन इन टू जर्नलिज्म फॉर ऑलमोस्ट 4 years, and in these 24 years I had seen the good side of journalism, and today I'm seeing the worst side of journalism. So main bahut choosy hota hu, jata nahi hu, to main sochta hu ki chalo yaar agar duniya ke kone mein baithe hue agar 10 logon se bhi agar main baat kar lu to kam se kam apni baat karu, unke sath interact karu, and ek jo bonding hona chahiye, matlab I can expect too many things from you people, ki matlab aap log dur baith ke mere shahar ke liye kya kar sakte hai। मैं थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा सेल्फिश भी हूँ, मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मेरे शहर के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं क्या फायदा करवा के ले सकता हूँ, तो वो भी एक मेरे दिमाग में रहता है कि बासित साहब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ तो आपके लिए, मेरे शहर के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में भी लूंगा मैं। जी इंशाल्लाह जरूर, तो इट विल बी ऑनर फॉर अस टू वर्क फॉर आवर ओन सिटी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड आंसर। तो मैं ये हमारे साथ जो दूसरे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कई लोगों के पास 1 बजे रात का हो रहा है या 3 बजे रात का हो रहा है, तो आई जस्ट वांट टू नो, इनके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने ग्रुप से कलेक्ट कर निकाले थे, तो आई वांट देम टू आस्क द क्वेश्चंस एंड देन वी विल हैव द कन्वर्सेशन इंशाल्लाह। प्लीज प्लीज प्लीज। सो आई विल जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस फॉर आवर ऑडियंस, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेनी पीपल हु वांटेड टू ज्वाइन, बट देन जो हमें एक टाइम पर मिला, सो वी थॉट लाइक दिस इज द नो, सो few of them were available right away, so humne unse join karwaya hai, and so we have Tawseef with us. Tawseef Sayyed is in Australia. We have Shoaib Sheikh, he's in Canada. We have Asim Pathan, he's in Malaysia, and we have Sheikh Jamil Bhai from Saudi, and we have Ijaz Siddiqui from Dubai. So I think we guys can start asking the questions that you had in your mind, that you know. So basically the idea of this, so let me just tell you one more thing. The idea of this is like we have been discussing since last, I think, 2 years. Hamari baat hoti thi aapas mein, hum jante the ek dusre ko kahin na kahin se. And every time, whenever we used to talk, we always used to have something in mind ki kya kar sakte hain. Yaar ye kar sakte hain kya wo. Ab ideas the, kuch cheeze yahan dekhte hain. Kuch cheeze hum chahte hain ki wapas Aurangabad mein hum kar sakein. Whether it is about just relief work, charity work. But it's you know, I think we can probably do more than that. तो वो सारे ideas और सारी चीजें थी, जैसे हमने आपको एक open letter दिया था when you joined, you know, when you were elected. That was the first time we, you know, came up as a group. एक NRIs का जो open letter दिया था. तो that time also I think आपका detail में discussion हुआ था उसमें. And then उसमें से कई सारे points cover हुए हैं, जो हमने देखा है कि उसमें से हमने बहुत सारी चीजें बताई थी. And then thank you so much for considering those inputs and getting it done for us. Thank you so much. So Tawseef, if you want to start, you can start with your question. Okay, assalamu alaikum.